हमारे कैमरे लगे हुए हैं, केवल माइक लगाना है। सर सर ऑलरेडी लगे हुए हैं। दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, दोनों सीट बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन क्या उम्मीद है कि जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी करेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल हमको पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को और जब भी जरूरत हुई है मदद की है, सहायता की है, और इस बार भी उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, बद्रीनाथ की बात करें हम या चमोली की बात करें, क्या सरकार की तैयारी है? नहीं देखिए, ये जो मानसून का जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है, और भूस्खलन, आपदा, अतिवृष्टि आना, सड़कों का संपर्क मार्ग टूट जाना, जल भरा हो जाना, इस पर काम चल रहा है और लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूं और हमारे सभी विभाग भी, सभी अधिकारी भी, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, सभी लोग लगे हुए हैं। सर क्या कहेंगे यहां के धाम के लिए? वो बहुत पूज्य धाम बन रहा है, बहुत एक ऐसा केंद्र बनेगा ये आने वाले समय में जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सनातन के प्रसार प्रसार के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में बनेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। सर उत्तराखंड में काफी लोग इस चीज का वेट कर रहे थे, आज आप लाइट कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं भी स्वयं बहुत खुश हूं कि जो है इस पूज्य काम में मैं भी यहां पर सम्मिलित हो पाया। धन्यवाद।